अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल आप सबने एक वीडियो देखी होगी जो कि बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये हम हैं, ये हमारी कार है और पार्टी हो रही है। 10 सेकंड की ये वीडियो जो तीन लाइनों पर मुश्तमिल है, इतनी तेज़ी के साथ वायरल हुई कि पूरी दुनिया को इसने अपना गर्विदा कर लिया। आधे से ज़्यादा नौजवान नस्ल पागल होकर इसके पीछे फिरने लगी। हर बंदा अपनी अपनी बसात के मुताबिक वीडियोस बना रहा है। ये हम हैं, ये हमारा कमरा है, पार्टी हो रही है, ये हम हैं, ये हमारा रिजल्ट कार्ड है और हमें मार पड़ रही है। कोई कह रहा है ये हम हैं और हमारे दोस्त हैं और हम सैर कर रहे हैं। गर्ज जितने मुँह उतनी बातें और जितने ख्याल उतनी वीडियोस। हर बंदे ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक इस कार खैर में हिस्सा लिया। सोचने की बात यह है कि इस 10 सेकेंड की वीडियो में ऐसा क्या है कि जिसने इन लोगों को गर्विदा कर लिया। वो मोहतरमा जिसने महज अपने चंद लम्हात जो अपने दोस्तों के साथ तफरी करते हुए कैप्चर किए और उन लम्हात को उसने सोशल मीडिया पर डाला, और जो मुझे चीज़ नज़र आई वो सिर्फ एक ही, और वो थी कि उसने मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी ज़्यादा लहजे में जो उर्दू बोली उसी ने ही लोगों को मुतासर किया। हमारे लिए ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हम अपनी कौमी ज़ुबान को बिगड़े हुए लहजे में वायरल करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर उर्दू बोलना, मुंह बिगाड़ कर अंग्रेज़ी बोलना, उर्दू के लफ्ज़ों को अंग्रेज़ी के लहजे में जो है वो बोलना, हमारे लिए स्टेटस सिंबल समझा जाता है। इस वक्त चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, और आपने देखा होगा कि चाइनीज़ सदर भी अगर कहीं जाता है तो वो कभी भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात नहीं करता। हत्ता कि अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास में भी उसके साथ ट्रांसलेटर होता है और वो चाइनीज़ में तकरीर करता है और ट्रांसलेटर उसकी तकरीर को आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। लेकिन हम हैं कि हम हर बात में अंग्रेज़ी ज़ुबान का तड़का लगाना फ़ख्र का बायस समझते हैं। जापान में जगह जगह गाड़ियाँ फिरती हैं अंग्रेज़ी सिखाने के लिए, लेकिन जापानी कभी भी अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीखते हैं। बाकी कौमों को देखो तो वहाँ भी तकरीबन यही हाल है, लेकिन हम हैं कि हम लोग फौरी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान के लहजों से मुतासर होकर अपनी ज़ुबान को बिगाड़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं। काश कोई लोगों को ये बताए कि ये वो ज़बान है जिसके लिए इनके बुज़ुर्गों ने कोशिशें की, कुर्बानियाँ दी। एक दौर था जब मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान में तालीम हासिल करना पसंद नहीं करते थे, तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक अदारा कायम किया साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से, जो अंग्रेज़ी की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट करता था ताकि मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाएं। उन्हें क्या मालूम था कि कल को तालीम याफ्ता होने वाली यही नस्ल उर्दू को फिर से बिगाड़ के अंग्रेज़ी के लहजे में ले जाएगी और फिर से जो है वो उसी लहजे से मुतासिर होंगे। काश कोई इनको बताए कि 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ महज इसलिए हुआ कि हिंदू अपनी कौमी ज़बान हिंदी को दफ्तरी ज़बान बनाना चाहते थे, लेकिन इनके आबा अजदाद ने उर्दू ज़बान की तहफ़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपने से कई गुना बड़ी कौम के साथ झगड़ा मोल ले लिया। काश को इनको बताए कि यही वो ज़बान है जिसके लिए इनके आबा अजदाद जगह जगह फिरे और इस ज़ुबान को उन्होंने फैलाया। इस ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़बानों से किताबें तर्जमा की, लेकिन आज हमारी नौजवान नस्ल इसी ज़बान को बिगाड़ कर बोलने में फ़ख्र महसूस करती है। एक बड़ा मशहूर वाक्य है कि दाग दहलवी एक अंग्रेज़ के सामने बैठे थे और जब वो अपनी ज़ुबान में बात कर रहे थे तो अंग्रेज़ ने कहने लगा कि तुम हिंदुस्तानी नालायक होते हो, तुम हमारी ज़ुबान जल्दी नहीं सीख पाते। तो दाग दहलवी ने कहा कि मैं अंग्रेज़ी ज़बान सीखना नहीं चाहता, ना मुझे ये इसमें कोई रग़बत है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं सीखते हो, हम तो तुम्हारी ज़ुबान फ़ौरन सीख जाते हैं। तो दाग दहलवी ने कहा कि जो कुछ आप बोलते हो वो उसे ज़ुबान का बोलना नहीं, ज़ुबान का बिगाड़ना कहते हैं। और तभी दाग दहलवी ने अपना मशहूर ज़ुमाना शेर कहा था कि नहीं खेल यारों से आए दाग कह दो, क्या आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। और आज उसी उर्दू ज़ुबान को ज़ुबान टेढ़ी करके अंग्रेज़ी लहजे में बोलकर बनने वाली वीडियो को हमारे लोग इस कदर लाइक करते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं कि कल हमारी माँ बोली यानी कि हमारी पंजाबी ज़ुबान, सिंधी ज़ुबान, जो भी हमारी जो है वो मदर लैंग्वेज है, जो भी हमारी कौमी ज़ुबान है, जो भी हमारी मादरी ज़ुबान है, उसका कल दिन था और हम में से किसी ने भी एक भी स्टेटस, एक भी जुमला उसके बारे में नहीं कहा होगा, लेकिन इसी वीडियो को वायरल करने में हम अपने अपनी अपनी तौफीक में
जैसा हो सका हमने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। हमारी कौमी जुबान हमारा विरसा है, हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। सो अपनी जुबान को उसके असल लहजे के साथ बोलिए, उसके असल लहजे के साथ उसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि यही जुबान हम बाहर जाकर हमारी पहचान बनती है। और वो लोग जो अपनी पहचान खो देते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। भीड़ में चलने वालों की कोई शिनाख्त नहीं होती है, शिनाख्त उनकी होती है जो अपना तन्हा रास्ता तलाश करते हैं, अपना अलग रास्ता बनाते हैं। सो अपनी कौमी जुबान की हिफाजत के लिए अपना अलग रास्ता चुनिए, ना कि ऐसी फजूल किस्म की वीडियोस को वायरल करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।